Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fawad Rao from Ghulamane Bar School. Today we will do question number 3 of exercise 10A. Find the value of ACD. ACD. यानी ये exterior angle जो बनता है ये calculate करके दिखाना है यदि किसको unknown क्या लिखा हुआ Z. इस क्वेश्चन को इस अननोन को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं. इट डिपेंड्स कि आपको क्या समझ में आता है. दोनों तरीकों से करेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन एक मेथड बहुत ही छोटा है, दूसरा मेथड थोड़ा सा बड़ा है. अगर एक्सप्लेन करते हैं फिर क्वेश्चन में सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे. ये एक्सटीरियर एंगल है. अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम पढ़ के जैसे इंट्रो की वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के. पर इस ट्रायंगल एबीसी का ये वाला एंगल फाइंड आउट करूं और इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा. एक तो तरीका ये था. दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इंतहाई सिंपल और सिंप्लीफाइड है. प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट करता है, क्वेश्चन नंबर 1 से. ये स्ट्रेट लाइन है ए सी डी. ए सी डी, ए सी डी, और इसमें से अगर मैं एंगल माइनस करवा दूं 75. ए सी डी का सम क्या है, जैसा पढ़ के आ चुके जी 180 है सम. 180 में से 75 माइनस करवा दूं तब भी एंगल क्या आ जाएगा, मेरे पास जेड आ जाएगा. आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. सबसे पहले मैं बी फाइंड आउट करने जा रहा हूं. क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूं? बी. तो मैं लिखता हूं यूजिंग ट्राइंगल ए बी सी. अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो क्या वजह है? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. कि मुझे पता है ट्राइंगल्स के तमाम एंगल्स को सम कर लो तो उसका जवाब किसके बराबर आता है? जी 180 के बराबर आता है. एंगल ए है मेरे पास 35 डिग्री, बी है निकालना है तो मैं बी को बी लिख देता हूं, एंगल सी है 75 डिग्री इक्वल्स टू 180. इन दोनों को प्लस करता हूं तो मेरे पास जवाब आ रहा है 110 डिग्री प्लस एंगल बी वैसे ही आ गया इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस करवा देता हूं मैं यहां आके 110 डिग्री को, तो बी मेरे पास आ गया 70 डिग्री. जी बी कैलकुलेट कर ले 70 डिग्री. इस बी को वैल्यू मुझे इसलिए चाहिए थी क्योंकि मैं एक्सटीरियर एंगल के जरिए फाइंड आउट करना चाहता हूं. तो मैं लिखता हूं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. अब ये जो एंगल कौन सा एंगल, ये दोनों, यानी ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, एंगल क्या निकल आया हुआ 70. इन दोनों को सम करना इक्वल है किसके, इस एंगल, इसका नाम है ए सी डी. तो यहां लिखता हूं एंगल ए सी डी, यानी एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल है किसके, 70 प्लस 35 डिग्री के. तो 70 प्लस 35 105 ए सी डी. ये क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड यूजिंग एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से. इसका एक और तरीका भी आपको सिखाया गया है, उसको खुद से घर में ट्राई कीजिएगा. वो क्या था, क्या क्या लिखेंगे, बी सी डी
इक्वल्स टू 180 डिग्री और फिर ये माइनस करके निकालिए, आंसर बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं। दोनों मेथड इसलिए बताए गए हैं अगर एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चन तो डू गो फॉर शॉर्टर वे, छोटे तरीके से कीजिएगा। होपफुली आपको समझ में आया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।